कुंभीधर और वाटरफॉल से लौटते वक्त मुझे पता चला चार चौक से फुलवाणी रोड में 15 किलोमीटर जाने के बाद एक वाटरफॉल पड़ता है जो पकड़ाधर नाम से फेमस है और मैं उसे देखने चला गया। बौद्ध से 35 किलोमीटर आने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं चार चौक में। चार चौक से आपको राइट जाना है 15 किलोमीटर और मेन रोड से फिर राइट जाने के बाद पोखराधर मिल जाएगा। चार चौक से कुछ किलोमीटर जाने के बाद घाटी रास्ता पड़ता है। चारों तरफ पहाड़ घेरा घाटी का नेचुरल व्यू एंजॉय करने के लिए मैं जैसे ही बाइक रोक दी वो पेड़ से सारे बंदर मेरे पास आ गए। उनको खाने के लिए मेरे पास देने को कुछ नहीं था लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार था। चार चौक से 15 किलोमीटर आने के बाद आप ऐसी स्थान में पहुंच जाएंगे और यहां से आपको राइट टर्न लेना है पोखराधर जाने के लिए। मेन रोड से 3 किलोमीटर आबड़ खाबड़ रास्ता में आने के बाद फाइनली मैं पोखराधरा वाटरफॉल में पहुंच गया हूं। जगह तो बहुत सुंदर है लेकिन कोई पर्यटक नहीं है। बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ एक बार आके तनाव भरा जिंदगी से कुछ टाइम बिताना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इस प्लेस को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं लगता है। अगर इस जगह को प्रमोट किया जाएगा तो बहुत संख्या में टूरिस्ट आएंगे। काफ़ी सुंदर प्लेस है। अभी मैं वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप आते हैं तो ये जो स्टेयर बना हुआ है स्टेयर में आप नीचे जाएंगे तो सावधानी रहे कि इस बाड़े जो दिया हुआ है इस लोहे की बाड़े को पकड़कर धीरे धीरे आगे चलना चाहिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ बड़े घाई है। आप अगर पैर फिसल जाएगा तो आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे बड़ा में हाथ लगा के नीचे उतरिए।
दोस्तों मैं रिकमेंडर करता हूँ अपना तनाव भरा जिंदगी से कुछ पल टाइम निकल के यहाँ जरूर आइए। आप एक बार आइए, आप आके यहाँ एक घंटा दो घंटा अपना दोस्त परिवार के साथ गुजरे तो आपको पता चलेगा। तो इसी जगह के बारे में क्यों मैं बार बार बात कर रहा हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। एक बार आप आएंगे तो घर जाने को मन ही नहीं करेगा, लगता है यहाँ घर बसा लूँ। ब्यूटीफुल प्लेस यार, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। यार नीचे उतरने में इतना ज़्यादा कठिनाई नहीं था, लेकिन वाटरफॉल से ऊपर की तरफ आने में ज़्यादा कठिनाई, बिल्कुल तीखी चढ़ाई है। अब आराम से धीरे धीरे उठना चाहिए।